अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रीड स्टडी लर्न के इस सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के लास्ट सेशन में हमने बेसिक ऑफ वर्किंग विद टेक्स्ट का टॉपिक जो है कवर किया था। आज जो चीज़ हम रिलेट करेंगे वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को इन अ फॉर्मेटेड वे। तो मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिया है जो कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये एक तरह से जो है एक रेस्टोरेंट की डील है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है जो कि वो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टेक्स्ट को जो है फॉर्मेट करेंगे, तो इसके अंदर जो है कुछ टूल इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो सबसे पहले जो है ये देख रहे होंगे आप, हमारे पास डील वन एक हेडिंग आ रही है। तो इस डील वन को जो है वो बिगर होना चाहिए ताकि ये जो है अच्छे खूबसूरत तरीके से दिखे। इसका फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इस फ्लायर को जो है वो कलर करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। इस फ्लायर का इसको क्या करेंगे हम कि हमने एक बॉक्स लिया था, इसके अंदर इस बॉक्स को जो है बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग कलर करेंगे। ये बॉक्स किस तरह से लिया है, कहाँ से आया है, इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपको ये कवर कर दूंगा मैं आगे चल के। तो हमने जो है ये बॉक्स, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये बॉक्स अपेयर हो गया। इस बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आपके फॉन्ट और पैराग्राफ, इन दोनों चीज़ों पर हम काम करेंगे। इस पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक बकेट बनी हुई है जिस जो कि कलर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग एक प्यारा खूबसूरत से जो है कलर दे देते हैं। सिंपल से हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर बन गया इसके अंदर। अब हम लोग जो है इस टेक्स्ट को जो है वो बड़ा करेंगे। इस टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एक तो ये आपके पास पूरा पैनल जो अपेयर होता है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आप जैसे ही देखेंगे कि इसके साइज़ को आप बढ़ाएंगे तो ये आपको डिस्प्ले करता जाएगा उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है खुद ही। 24 जो है वो इनफ है इसके लिए, 24 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को जो है हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इस टेक्स्ट के बराबर में, फॉन्ट साइज़ के बराबर में फॉन्ट फैमिली है, जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो कि बिल्टन होती हैं। इस फैमिली को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फैमिली में से हम लोग जाके फैमिली हम लोग सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी फैमिली जो है वो खूबसूरत है, जो कि हम इस ये मेरे अच्छा लग रहा है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बॉक्स बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि हमारा फॉर्म जो है वो ज़रा सही हो जाए। और यहाँ से हम स्पेस को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर जो आइटम्स हैं, इस आइटम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि सबसे पहले तो देखें आप, हमने इसका जो फॉन्ट साइज़ बड़ा किया, इसके लिए एक और तरीका भी है जो कि हम एक टैब ऑर्डर के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ 24 है, हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ आप दो ऑप्शंस देख रहे होंगे, ये बिकर, इस ऑप्शन का काम है वो है टेक्स्ट को इंक्रीज करना, और इसका जो काम है वो है टेक्स्ट को डिक्रीज करना। तो हमें थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये 2:1 से आपके टेक्स्ट को इंक्रीज कर देता है। यानी कि यहाँ 24 है तो ये क्या करेगा, इसको आपके इसके साइज़ को जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 26 कर देगा, 2:1 जो है आपको इंक्रीज कर देगा। और इसका भी काम यही है कि 2:1 आपको लेस कर देगा। फिर हम आते हैं इसके अंदर कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से जो है हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो है मज़ीद बोल्ड हो जाए। तो इसके लिए देख रहे होंगे आपके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इन तीनों का क्या काम है। पहले बोल्ड का काम ये होता है कि आपके टेक्स्ट की जो क्या कहते हैं स्ट्रोक है उसको मज़ीद मोटा कर देना, यानी कि ये टेक्स्ट जो है आपको उसको मज़ीद मोटा करना है तो आप बोल्ड कर देंगे तो ये आपके टेक्स्ट को मज़ीद बोल्ड कर देगा। इटैलिक करने से ये आपके टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा, यानी कि आपके जो है राइट हैंड साइड पर जो है आपके टेक्स्ट को स्क्यू करके झुका देगा। अंडरलाइन करने से एक लाइन ड्रॉ कर देगा आपके टेक्स्ट के नीचे। हमारे लिए जो है इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अभी इटैलिक और अंडरलाइन की हमें से बोल्ड करना था तो हमने इसको बोल्ड कर लिया। अब यहाँ देख रहे होंगे आपके पास कि ये हेडिंग्स हैं, डील नेम, टाइम ड्यूरेशन और आइटम्स। हमें इसको भी बोल्ड करना है और थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है। इस वक्त इसका फॉन्ट है 11, इसको हम 14 कर देते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, बिल्कुल ओके है। और अंडरलाइन भी कर देते हैं, इसका थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए।
और यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। फिर है हमारे पास ये नेक्स्ट वाला टैब ऑर्डर, बोल्ड कर दें और 14 कर दें और अंडरलाइन कर दें। इसी तरह है डील नेम, डील नेम को भी हम यहीं करेंगे बोल्ड अंडरलाइन और 14। लास्ट में हमारे पास है प्राइस। प्राइस को हमें क्या करना है कि प्राइस हम चाह रहे हैं कि इस प्राइस को हम इस तरफ ले आएँ, अलाइन कर दें इसको बिल्कुल राइट हैंड साइड के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन है पैराग्राफ के इस टैब के अंदर के अलाइनमेंट करना, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। हम इसको अलाइन करना चाह रहे हैं, हम सेंटर में नहीं करना चाहते, हम इसको राइट हैंड साइड पे करना चाहते हैं। तो हम राइट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसको अलाइन कर देगा राइट हैंड साइड के ऊपर। अब हमें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो हम इसको 20 कर देते हैं, और हमें इसका कलर भी चेंज करना है फॉन्ट का। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, इसमें से आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई फॉन्ट यहाँ नहीं मिल रहा तो आप मोर फॉन्ट के अंदर जाएंगे, और हमें जो फॉन्ट चाहिए है वो है डार्क रेड। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बोल्ड कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये वाजे नज़र आए। और ये लीजिए हमारा ये डील का जो कूपन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखा आपने फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कितनी खूबसूरती के साथ काम कर सकते हैं।